थैंक यू सर। सेकेंड सेशन हम स्टार्ट करते हैं अपना, प्रेडिक्ट यूजर्स एंड ग्रुप्स इन ऑफिस 65। ऑफिस 65 के ऊपर जो एंटायरली काम करता है, कौन काम करेगा? यूजर्स और ग्रुप्स, ठीक है? यूजर्स एंड ग्रुप्स। यूजर कौन? आप लोग, ठीक है? तैयब साहब हैं, वनीजा हैं, अली हैं, कुमेजा हैं, ये सब क्या हैं? हमारे यूजर्स हैं। अब यूजर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है या किसी ग्रुप में काम कर रहा है? ये बिल्कुल ये बात है कि यू आर ऑन फेसबुक, फेसबुक पे जाओ, अकाउंट बना रहे तो अपनी पर्सनल प्रोफाइल है, लेकिन आप किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे तो ग्रुप के आप मेंबर हो गए। क्या हो गए? मेंबर। तो आप एक यूजर हैं, और अगर मैं कोई ऑफिस 65 पे ग्रुप बनाऊंगा तो आप, अगर मैं इनवाइट करता हूँ तो आप एक मेंबर हैं। क्या है? मेंबर हैं। और मेंबर्स के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं। तो मेंबर वो ओनर है या नॉर्मल यूजर है? एज कम्पेयर टू फेसबुक, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के यूजर्स होते हैं, ठीक है ना? जैसे पेज के रूल्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पेजेस होते हैं। और अगर यूजर है, हम ऑफिस 65 के अंदर यूजर बनाएंगे तो यूजर भी डिफरेंट किस्म के होंगे, और यूजर्स के अलावा जो ऑफिस 65 के ग्रुप्स हैं वो भी डिफरेंट किस्म के होंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ऑफिस के 65 के यूजर्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि एंटायर पूरे ऑफिस के अंदर जो लोग हैं वो यूजर्स हैं, और वो क्या है? ग्रुप्स हैं। तो जी यूजर्स होंगे तो ग्रुप होंगे। ग्रुप में किसको ऐड करेंगे आप? यू विल ऐड यूजर्स, ठीक है? यूजर्स कौन है? आपका नाम क्या है? तैयब साहब एक यूजर है। ALS एक ग्रुप है। ग्रुप के अंदर मैं तैयब साहब को ऐड कराऊंगा तो क्या होंगे? एक यूजर हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं। यूजर्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप एप्लीकेशन बार पे जाएं, नाउ क्लिक ऑन एडमिन, ठीक है? आप एडमिन में क्लिक करें, एडमिन में क्लिक करने के बाद आप जाएंगे यूजर्स के ऊपर। कहां पे जाएंगे? यूजर्स के ऊपर। और यूजर्स में आपके पास सबसे पहले मैं जरा यहां पे आ जाता हूं, एक्टिव यूजर्स के ऊपर। अच्छा, ये एक्टिव यूजर्स है हमारे पास, जिनको अभी हमने वर्कशॉप्स के पोर्टेबल दिया है कि ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये यूजर्स हैं, ये सारे यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स हैं। इनको मैंने लाइसेंस प्रोवाइड करा है, ठीक है ना? अब मुझे अपना यूजर बनाना है, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पे यूजर बनाता हूँ, और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऐड अ यूजर। क्या कर रहा हूँ? ऐड अ यूजर। तो मैं एक्टिव यूजर में आके क्या कर रहा हूँ? ऐड अ यूजर। तो ऐड अ यूजर के ऊपर क्लिक करा मैंने, टाइप। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। बेसिक है आपके पास, प्रोडक्ट लाइसेंस है, ऑप्शन सेटिंग्स हैं, और फिनिश। तो फर्स्ट नाम पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल फयाज, ठीक है? तो मैंने एक एंट्री करी यहाँ पे, डिस्प्ले नेम आ गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नाम, जो मेरा आईडी बनेगा। मैं जब फर्स्ट टाइम पे लॉग इन करूंगा portalofficecom के अंदर, तो portalofficecom के अंदर हमारे पास जो चीज आएगी वो क्या आएगी? हमारे पास ये नाम आएगा। हमें portalofficecom करने के बाद tuba@pkpro.microsoft.com जाएगा। अच्छा, ये वो माइक्रोसॉफ्ट का टेंडर अकाउंट है, माइक्रोसॉफ्ट का हमने किराए पे लिया हुआ है। हमारा अपना नाम भी हो सकता है, क्योंकि हमारे टॉपिक नहीं है, वरना हम अपना डोमेन भी ऐड करवा सकते हैं। जैसे alshafiq.gg करवाना चाहें तो आपके नाम के, या माइक्रोसॉफ्ट से आपने रेंट पे लिया है ना, एक तरीके से टेनेंट है आप, तो आपने लिया है उससे रेंट के ऊपर। तो आपने कहा कि मोबाइल पे तो आप इस्तेमाल करो, लेकिन @alshafiq.org भी हो सकता है, ठीक है? तो हम अपना डोमेन भी, एक डोमेन क्या, मल्टीपल डोमेन भी ऐड कर सकते हैं, कि किसी यूजर के नाम के आगे कोई और डोमेन आ जाए तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन फिलहाल इस डेमो के लिए हमने इस्तेमाल करा tuba@tuba। जब भी लॉग इन होगी तो वो portal.office.com पे लॉग इन करेंगी, और उसके बाद क्या करेंगी? वो सिंपल ये यूजर अपना डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहे ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आ रहा है, या मैं जनरेट करूं, ठीक है? आई क्रिएट अ पासवर्ड, लेट मी क्रिएट पासवर्ड। मैं कहता हूँ जनरेट ना करो, बल्कि मुझे ही करने दो काम। तो मैंने लेट मी क्रिएट करा, और सिंपल मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला। अच्छा, पासवर्ड में आप देखिएगा ये क्या है, ALS 123। मैंने कोई भी पासवर्ड डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है?
और रिक्वायर्ड दिस यूजर टू चेंज द पासवर्ड व्हेन फर्स्ट साइन इन, आपके पास ये वैसे रिक्वायर्ड होता है, हम अभी नहीं कर रहे, लेकिन आप ये अमूमन करते हैं कि अगर मैंने किसी का पासवर्ड डमी बना दिया तो जब भी वो फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो उसको पास ऑप्शन आएगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें। फिलहाल इस डेमो के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं ईमेल भी कर सकता हूँ। अब आपके पास जो है ना, ये बोल रहे करेक्टर 8 डाल लें, आपने सब कुछ डाल लिया, एंटर कर लिया, और आप देखते हैं कि ये जो है ना आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा, नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा। ऑफिस 65 की का बड़ी सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, सिक्योरिटी, क्योंकि बोल रहे हैं कि स्ट्रांग पासवर्ड नहीं है। हाँ, स्ट्रांग पासवर्ड जो होता है अमूमन जो लोग बना रहे होते हैं वो किससे बना रहे होते हैं, अल्फाबेट नंबर्स या स्पेशल करेक्टर्स, एट द रेट का साइन वगैरह लगा लिया, हैश का लगा लिया। लेकिन आप एक और चीज क्रिएट कर सकते हैं जिसका, जिससे आपका स्ट्रांग पासवर्ड बनता है, वो है आपका स्पेस बार। स्पेस बार भी दबाएंगे तो एज अ करेक्टर के तौर पे काउंट होगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ एक दबाएं, एक पे करेक्टर काउंट होगा, मतलब आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आपने डाला कि अल शफीक स्पेस 1 2 3, तो अल शफीक कितने करेक्टर बने, 7 करेक्टर बने, स्पेस बार एक करेक्टर हो गया 8, ठीक है। उसके अलावा एट डेट लगा लेंगे तो 9 हो गया, तो 9 करेक्टर डालेंगे, मिनिमम 8 करेक्टर तो आपको डालने ही डालने, तो ये आपके ऊपर है। और ये पासवर्ड ये होता है कि आप डाल तो नहीं, लेकिन आपको कोई सा भी पासवर्ड हो, चाहे वाईफाई का पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड हो, आपको चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इनके लिए एक पासवर्ड बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ, स्ट्रांग होंगे पासवर्ड, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, इसको नेक्स्ट कर दूंगा। मैंने यहां पे क्या बनाया, एक यूजर बनाया, यूजर अभी बना नहीं है, यूजर का नाम हुआ है कि ये नाम है, उसके बाद वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो मैंने यहां पे पी लिखा, पाकिस्तान आ गया, क्लिक्ड ओके। उसके बाद मैंने कहा कि असाइन यूजर, अब देखें ये असल इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं एडमिन चार्ज हूं ना, आप यूजर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, तो मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट फ्लो का दे दो आप, और इसके अलावा ऑफिस 65 का लाइसेंस भी दे दो उनको, ठीक है। अब मैंने ये दो लाइसेंस दे, फ्लो एक अलग चीज है हमारे पास, ऑफिस 65 असल जो हम कर रहे हैं। अब ये बता भी रहा है कि भाई 25 अवेलेबल थे, आपने 18 कंज्यूम कर लिए, ठीक है, आपके 18 बचे हैं, सॉरी, ठीक है। उसके अलावा क्रिएट यूजर विदाउट प्रोडक्ट लाइसेंस, तो ऐसे तो नहीं आप बनाएंगे, यूजर बना देंगे लाइसेंस ही नहीं देंगे तो सर्विसेज कहाँ से करेंगे, तो मैंने कहा कि असाइन लाइसेंस कर दो। अच्छा, एक और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हर तरह का बहुत सारे यूजर्स हैं, एक मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, एक सेल्स पे काम कर रहे हैं, सबकी फील्ड अलग है, ठीक है, एक काम कर रहा है सिर्फ डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहा है, तो मेरी मर्जी है कि मैं एप्स को भी डिफाइन कर सकता हूँ कि ये एप्स इस्तेमाल करे या ना करे। या आपके पास यहाँ पे एप्स आ रहे हैं और 35 एप्स के करीब आपके पास आ रहे हैं, अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट आ रही है, ठीक है। आप यहां से जो भी चीज बंद करना चाहेंगे वो आप बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम नहीं देना, उसको टीम से काम करनी है, प्लैनर नहीं आप देना चाहते, तो आप यहां से उसको बंद कर दें, तो वो जब खोलेगा उसके पास नहीं आएगा। जैसे आप लॉग इन करेंगे तो आप ये जब भी लॉग इन करेंगे तो एडमिन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एडमिन राइट दिया ही नहीं है, क्लियर है। तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं, नेक्स्ट पे आता हूं, और मैं यहां पे आगे चला आता हूं। इन शॉर्ट के इसके अंदर आपने लाइसेंस दिया, थर्ड आ रहा है ऑप्शनल, जो कि हमारे पास रोल आ रहे हैं, जिसकी अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था आपसे कि आप जो मैं ये यूजर बना रहा हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि एक यूजर एंड यूजर है, जो तो सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है एप्लीकेशन, उसको मुझे कोई एडमिन वाली चीजें नहीं देनी है, सेटिंग्स वाली चीजें जैसे एडमिन सेंटर नहीं देना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा यूजर नो एडमिन एक्सेस। लेकिन अगर मैं इसको अनमार्क कर लूँ तो ऑफिस 65 के, जैसे अगर आप इसकी सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सारे के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, ये मुख्तलिफ किस्म के ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास जो है, सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर, बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर, ये मुख्तलिफ किस्म के कौन है यूजर्स हैं। तो मैंने कहा कि मुझे एक बंदा जो यहाँ पे आईडी बनना है, इसका रोल जो है वो सिर्फ यूजर हो, क्या हो, यूजर हो,
नो एडमिनिस्ट्रेशन एसेस, उसके पास कोई एडमिन सेटिंग्स हमारे पास ना। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लें, ऑप्शन सेटिंग्स, और उसके बाद फिनिश। ले रहे क्लोज। तो ये देखिए आपके पास सारी वीडियोस आ गया हमारे पास। जब यूजर ज्यादा हो जाते हैं तो हम सर्च भी कर सकते हैं हमारे पास। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं। आप क्लिक करें फॉर एग्जांपल किसी भी यूजर के ऊपर। अब मैंने ऐसे विनीजा माम पे किया क्लिक, तो तमाम चीजें इनकी दिखा रहे हैं यहाँ पे मुझे कि भाई ये इनकी ये चीजें सारी लाइसेंस एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है तमाम चीजें, मतलब आप यूजर्स के ऊपर क्या राइट डे में। और अगर मैं इनमें से कोई भी फर्दर चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ बाद में कि भाई नहीं इसको ये राइट दे दो, इसको हटा दो, ये राइट दे दो। कितने जबरदस्त चीज़ें हैं देखिए आपका, यू कैन कस्टमाइज सर्विसेज। तो यहाँ पे आप यूजर पे क्लिक करके आप ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करता हूँ। इवन यू कैन ऑल्सो असाइन टू ग्रुप वगैरह, सो मैनी थिंग्स। ठीक है, मैनेज रोल्स करना चाहते हैं सिंपल जस्ट सेलेक्ट द यूजर्स, और सेलेक्ट करने के बाद आप मैनेज रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो मैनी थिंग्स यू कैन डू। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, कुछ लोगों को मैंने एडमिन सेंटर दिया हुआ है कि अगर आप चेंजिंग करना चाहेंगे तो चेंजिंग कर सकते हैं वगैरह जो है। तो हमारे कुछ यहाँ के पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑन प्रेमिसेस हमारे पास इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो लाइव डेमो क्लास के बाद भी कर सकते हैं कि एडमिन सेंटर में जाकर उनको काम करना है तो वो देख सकते हैं वगैरह, क्योंकि आप वैसे घर पर नहीं मिलेगा आपको एक्सेस। क्लियर है? तो ये वो सारी चीजें जहाँ से आपके पास यूजर्स बनने होते हैं। क्या बनने होते हैं? यूजर्स बनने होते हैं, क्योंकि ऑफिस 365 में जो काम करेंगे यूजर्स होंगे। क्या होंगे? यूजर्स आपके पास काम करोगे। यूजर्स के अलावा आपके पास हमारे पास सेकंड चीज क्या है, वो है ग्रुप्स। ग्रुप्स कैसे बनेंगे हमारे पास? ग्रुप्स का पोर्शन आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है? ग्रुप्स का पोर्शन मेरे पास यहाँ पे आ रहा है और मैं क्लिक करता हूँ ग्रुप्स के ऊपर। तो ये करंटली इस वक्त मुझे बता रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि अशफीक स्टूडेंट प्रो ग्राफिक्स। ठीक है, हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे पास। हम एक ग्रुप ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि ग्रुप की टाइप्स आती हैं मुख्तलिफ किस्म की, ये एग्जामिनेशन के वाले से सवाल आते हैं तो वी विल नॉट कवर इन दिस वर्कशॉप। तो मैंने कहा कि मुझे एक एक ग्रुप बनाना है, उसकी टाइप ऑफिस 365 की है। मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स की टाइप ज्यादा होती हैं, आप लीव इज एज अ डिफॉल्ट कर लें और आप यहाँ पे ग्रुप का नाम डाल लें। ठीक है, ग्रुप का नाम फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मॉस एग्जाम्स। ठीक है, मॉस एग्जाम्स का एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर मैं कॉलिब्रेट करवाना चाहता हूँ कि लोग मॉस की जो एग्जाम्स अभी बच्चे दे रहे हैं वो क्या पढ़ना चाह रहे हैं, एग्जाम्स की क्या तैयारी होगी, वो एक ग्रुप के अंदर डिस्कशन। ग्रुप बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि डिस्कशन के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, आप मेंबर्स ऐड करवा सकते हैं। तो ग्रुप का मैंने ईमेल एड्रेस, ठीक है, मैंने कहा कि ग्रुप का एक ईमेल एड्रेस भी बना लेते हैं। तो मैंने कहा कि मॉस एग्जाम्स बाय डिफॉल्ट मैंने दे दिया, अपना नाम भी दे सकते हैं, मतलब ये ग्रुप का ईमेल एड्रेस। अगर मैं किसी को ईमेल करना चाहूंगा तो मैं ग्रुप पे भी ईमेल कर सकता हूँ। मतलब कितनी जबरदस्त चीज है कि एक तो यूजर को जाना, एक पूरे ग्रुप को ईमेल चले आना। ठीक है, तो ये एक जबरदस्त चीज। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट सो ऑन, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। और जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे, इट इज गुड टू राइट अ डिस्क्रिप्शन, गुड डिस्क्रिप्शन लिखें। इसके अलावा आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं पब्लिक प्राइवेट वगैरह, तो ये भी आ रहा है कि पब्लिक या प्राइवेट, ओनली मेंबर्स कैन सी द ग्रुप्स, और सिर्फ मेंबर दे सकते हैं, बाहर का यूजर नहीं है, या एनी वन कैन सी दिस ग्रुप। तो मैंने इसको बनाया पब्लिक ग्रुप। क्या बनाया? पब्लिक ग्रुप। बट एज अ प्रैक्टिस आप ग्रुप भी बनाएगा और आप यूजर्स भी बनाइएगा, मुख्तलिफ किस्म के यूजर्स भी बना के देखिएगा और मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स भी बना के देखिएगा, और उनको जाके चेकआउट कीजिएगा कि ये लिस्ट में क्या आ रहा है, किस तरह से पता चल रहा है कि कौन से यूजर्स हैं हमारे पास और कौन से ग्रुप्स के नाम हैं।
यहाँ पे आ रहे सिलेक्ट ऑनर्स, ग्रुप का ऑनर कौन है हमारे पास, तो मैंने कहा कि सिलेक्ट ऑनर करता हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्ट ऑनर करता हूँ, देखा ग्रुप में यूजर्स थे तो लिस्ट आ रही है, वो जो लिस्ट आपने बनाई हुई है, जब भी ये ग्रुप पे काम करेंगे, किसी टीम पे काम करेंगे तो उसमें यूजर्स या ग्रुप्स आ रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कहा कि यहाँ तो बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मैं शफीक रहमान सबको ऑनर बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऑनर बना लिया। आई कैन एड मल्टीपल ऑनर्स वगैरह, जो भी मैं करना चाहूँ मैं क्लिक कर सकता हूँ। सिंपल, जस्ट आई क्लिक ऑन एड। इन शॉर्ट कि आपने क्या काम करा है, आपने ग्रुप की टाइप दी, ठीक है, जो कि हमने डिफॉल्ट ऑफिस 65 रखा है। ऑफिस 65 का ग्रुप टाइप हमारे पास, ग्रुप का नाम, जो ग्रुप का असल नाम है वो ये है जो एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा उसका ईमेल एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, एंड लास्टली उसका क्या कि किस किस्म का एक ग्रुप टाइप, प्राइवेसी हमारे पास। और फिर हमने एक और काम करा कि इसके अंदर हमने कहा कि भाई इस ग्रुप का ऑनर कौन है, ऑनर मतलब एडमिन इंचार्ज पूरा कौन है, ठीक है। अब उसके बाद जो भी लोग हैं वो यूजर्स होंगे, तो मैंने क्लिक करा और यहाँ पे क्या कर लेना ऐड, उसके बाद क्लोज। दिस इज हाउ वी क्रिएट ग्रुप्स। ग्रुप्स पे हम जाते, तो ग्रुप्स पे हमारे पास रिफ्रेश, ठीक है, नहीं नजर आया तो आपने रिफ्रेश कर लिया, ठीक है। अब आपने जब रिफ्रेश करा तो आपको यहां पे नजर आ रहा है मॉस एग्जाम्स, ठीक है। जब आप क्लिक करते हैं यहां पे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यू कैन डिलीट ग्रुप, एडिट डिस्क्रिप्शन, हाँ एडिट नेम, क्योंकि आप बनाएंगे डिलीट भी कर सकते हैं, अच्छा ऐड अ ग्रुप भी कर सकते हैं हमारे पास जो है। ये तमाम चीज़ें आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल मॉस जेम्स का ग्रुप खोला यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब डिटेल आने लग गई। मैंने यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करा तो डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। वो अगेन प्रोसेस आ गया जो आपके बनाते वक्त आया था, मतलब बनाने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ ख़राब कर ली तो चेंज नहीं हो सकती, चेंज हो सकती है, कोई भी चीज़ चेंज करना चाहें चेंज हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है एक आ रहा है कि मैंने यहाँ से क्लिक किया, जैसे ही इस ग्रुप के ऊपर क्लिक करा, फॉर एग्जांपल मॉस एग्जाम्स के ऊपर, तो यहाँ पे आ रहे मेंबर्स, क्या आ रहे मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कोई मेंबर्स आ रहे हैं क्या, इसके अंदर ऑनर आ रहे हैं, व्यू मेंबर्स एंड सेटिंग्स आ रही है हमारे पास, मेंबर्स जीरो है, व्यू ऑल एंड मैनेज मेंबर्स, तो मेरे पास कोई भी मेंबर नहीं है, ठीक है, मेरे पास कोई भी मेंबर नहीं है, तो मैं यहाँ ऐड करा लेता हूँ। इन शॉर्ट के मेंबर में जाके आप ऐड मेंबर करा लेंगे, तो ग्रुप के अंदर मेंबर होने चाहिए। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ऐड मेंबर के ऊपर, तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ गया। अब जैसे मैंने लिखा डब्ल्यू ए लिखा, डब्ल्यू की कैटेगरी में आ गया, ठीक है, तो मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एम के से आपसे कितने सारे आ गए, ठीक है, तो मैंने कहा कि मोहम्मद तला एंड मोहम्मद तैयब हुसैन साहब को मैं ले लेता हूँ, ले रहे, और मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद क्लोज। तो नाउ यू विल सी के यू हैव फोर मेंबर्स। मैं इसको क्लोज करता हूं, ठीक है। अगेन आप देखिएगा कि तो आप जो थे ना वो मेंबर में आए, कहां पर आए, मेंबर में आए, कि तो यहां पे आपके पास मैनेज ऑनर्स आ रहे हैं, मैनेज मेंबर्स आ रहे हैं, यहां पे मेंबर सेट करने का आ रहा है और मैनेज करने का आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास ओनर्स करने का आ रहा है। मैंने कहा व्यू ऑल मैनेज ओनर्स, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं एक नाम लेता हूँ,
अब आप देखें यहां पे आप मौजूद हैं। अब आपने कहा कि मुझे ये डाल दें, डाल दें, डाल दें, कुछ हुआ? क्यों नहीं हुआ? कैन यू आंसर? आपने कहा था ये नाम डाल दें, मैं नाम डाल दे रहा, कुछ हुआ? क्यों नहीं हुआ? आप तो क्यों आए यहां पर कि आप जो है ना, आप कह रहे हैं कि ऑनर ऑनर एड करा लो एक, मतलब एक शफीक रहमान साहब तो ऑनर है लेकिन एक और ऑनर एड करवा लो। लेकिन आप जब कोई नाम एड कर रहे हैं तो हो नहीं रहा, क्योंकि आप गलत जगह पे मौजूद हैं। मैंने नाम दोनों के दागे, आपने गौर नहीं करा। आप लोगों ने क्या था, आप सर्च में मौजूद हैं, आप ऑनर को सर्च करें। ये तो लिस्ट जब बहुत बड़ी होगी तो जब इस्तेमाल में आएगा कि बॉस 50-60 इतने ऑनर तो नहीं होते, लेकिन मेंबर में सर्च काम आता है कि आपके बहुत सारे मेंबर थे तो उनमें से आप सर्च कर लो। ठीक है, मुझे ऐड करना है, ऐड ऑनर पर लिखा हुआ है। बस ये थोड़ा सा ऑफिस में बच्चे घबराते हैं जब आते हैं ना नए नए के यार, वो ऑफिस क्योंकि इतने प्रॉम्प्ट बटन नहीं है कि बहुत अलग से बटन ब्लू आ रहा हो, ग्रीन आ रहा हो रंग बिरंग के, तो वो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में जो बंदा आता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि भाई वो कहाँ है सारे, तो फेडेड से ऑप्शन लगे होते हैं। तो मैंने क्लिक करा ऐड ऑनर के ऊपर। अब मैं जिसको भी यहाँ पे कराना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि भाई मैं मोहम्मद अला साहब को एक ऑनर बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद मैं सेव कर लेता हूँ, क्लोज। क्लियर है? तो ये तमाम इन्फो आपने यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी के लिए, आपने ग्रुप्स को भी देख लिया, ग्रुप्स को आपने बनाया, ग्रुप को डिलीट करना है, इसकी डिस्कशन ऐड करनी है, इसका नेम ऐड करना है, ग्रुप को ऐड करना, ग्रुप को दोबारा से एडिट करना, ग्रुप के अंदर जो है ना नया मेंबर ऐड कर लेना, ग्रुप के अंदर नया ऑनर ऐड कर लेना, ग्रुप के अंदर सर्च करना मेंबर्स का या ऑनर्स को, वो काम भी आपने तमाम कर लिया। क्लियर है? उसके अलावा जो आप एक और काम करेंगे वो ये कि ऑफिस 365 ना ग्रुप हर जगह पे इस्तेमाल होता है, मतलब मुख्तलिफ एप्लीकेशन में इस्तेमाल में आएगा। लेट मी शो यू कि आपने ग्रुप तो यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, आपके पास ग्रुप नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं एक एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ जिसका नाम आउटलुक है, ईमेल के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम लोग। आप लेफ्ट साइड पे नीचे आइए, लेफ्ट साइड में आप नीचे आइए तो आपके पास ये ग्रुप्स आ रहे हैं बने हुए, ठीक है, आप क्लिक करें ये ग्रुप्स, ठीक है, तो आपके पास ये सारे ग्रुप्स आ रहे हैं बने हुए। तो मैं यहाँ पे मैनेज ग्रुप में चले आता हूँ और इस तमाम ग्रुप जो वहां नजर आ रहे थे वो यहाँ भी नजर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो जैसे ये ग्रुप्स अक्रॉस द ऑफिस एप्लीकेशन, मतलब देखें आप, जब आप काम करेंगे आप मुझे ईमेल करनी होगी, जब आउटलुक पे काम करेंगे आप मुझे ईमेल को करनी है, किसी बंदे को ग्रुप को उसके ले आएगी, तो पूरे एंटायर ऑफिस 65 में जो काम होगा वो किस पे होगा, यूजर्स और ग्रुप के ऊपर। और ये यूजर्स और ग्रुप शेयर्ड है, शेयर्ड का मतलब ये कि आप कोई भी प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे चाहे आउटलुक हो चाहे कोई और ग्रुप, तो उस पर नजर आएगा। एक और चीज को हम शो करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करता हूं एंड नाउ आई क्लिक ऑन, शेयर पॉइंट ऑनलाइन। ठीक है, वो ग्रुप जो वहां बना था वो तो सिर्फ लिस्ट के नहीं बना है लेकिन वो अक्रॉस द एप्लीकेशन इस्तेमाल आ रहा है। क्लियर है? तो वो ग्रुप एंटायर हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा होगा, ग्रुप होगा तो हम उस पर काम करेंगे। क्लियर है? तो ये था हमारे पास टॉपिक, जो सेकेंड मॉड्यूल था हमारे पास ट्रेनिंग का, वो था हमारे पास का क्रिएटिंग यूजर्स एंड ग्रुप इन ऑफिस 65। ठीक है, दो काम हमने इसके अंदर करे, वो दो काम क्या थे कि हमने यूजर्स बनाए और हमने ग्रुप्स बनाए, क्योंकि हमने इन दी एंड में ये देख लिया कि तमाम एप्लीकेशन जो हम ऑफिस 65 में इस्तेमाल करेंगे इसके पीछे यूजर्स एंड ग्रुप्स हैं। जब यूजर्स होंगे तो हम ऐड करवाएंगे, जब ग्रुप होंगे तो हम डिस्कस करेंगे, ग्रुप्स होंगे तो ईमेल भी कर सकते हैं और वी कैन डिस्कस इन अ ग्रुप ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो
any questions? Thank you.